हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल व्यू की है। आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से किसी भी डेटा को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कोई फील्ड है तो उसको आप अपडेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये डेटा है हमारे पास और इस डेटा को आप देख ही सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लिखा गया है। तो अभी हमको क्या करना है, हम यहाँ पर नाम को चेंज करेंगे। देखिए रणविजय दो जगह आया हुआ है और अजय सिंह दो जगह आया हुआ है, तो किसी एक को रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए हम एसक्यूएल में अपडेट कमांड का यूज करेंगे। तो इस टेबल को क्लोज करते हैं और यहाँ से चलते हैं सेव करके क्रिएट पर। तो ये आगे क्रिएट पर और यहाँ से कहाँ जाना है, क्वेरी डिजाइन पे जाना है। ये 2007 यूज कर रहा हूँ और यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिएगा, देन एसक्यूएल पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखेगा सेलेक्ट को हटा दीजिएगा और सेलेक्ट को हटा देने के बाद यहाँ पर क्या टाइप करना है आपको, यहाँ पर टाइप करना है अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा अपडेट जो स्टेटमेंट है उसको लिखिएगा। देखिए कमांड में स्टेटमेंट में अंतर होता है। तो माई एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे कमांड मैंने आपको बताए हैं, जैसे DDL है, DML है, DQL है, TCL है, तमाम कमांड है। अब इसके अंदर जो आता है ना, जैसे कि ये अपडेट कमांड है, तो ये जो है एक स्टेटमेंट कहलाता है। हम इसे कमांड बोल जरूर देते हैं लेकिन ये रियल तौर पर स्टेटमेंट ही है। ठीक है, अपडेट स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पर टेबल देंगे। जैसे लिखा हुआ देखिए टेबल का नाम किससे स्टार्ट हुआ है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, तो आपको कैपिटल ही लिखना है। तो ये हो गया टेबल और ये हो गया वन, तो टेबल वन कर दिया, टेबल वन को अपडेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, लिखेंगे सेट। क्या लिखेंगे, सेट, क्या सेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो टेबल है ना, टेबल में यहाँ पर जो नेम ऑफ स्टूडेंट है जिसका कि रोल नंबर वन है, यहाँ पर हम अजय सिंह की जगह विजय सिंह लिखेंगे या विजय लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे लेकिन अजय सिंह के अलावा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर सेट लिख दिया मैंने और फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है नेम। क्या लिखना है, नेम। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही हमें भी लिखना है, सेट नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसे, अच्छा कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूरा कैपिटल है, तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही मैंने भी लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट हमने दे दिया है, अब नेम ऑफ स्टूडेंट क्या हो, तो नेम ऑफ स्टूडेंट जो है वो हो जाए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विजय लिख दिया। ठीक है, अब ये डबल डॉट कॉमा या सिंगल डॉट कॉमा के अंदर रखेंगे, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद क्या करना है और क्या चीज है यहाँ पे, यूनिक क्या दिया गया है इसको देख लीजिए, तो रोल नंबर यूनिक है, वेयर रोल नंबर वन। ठीक है, वेयर, अब रोल नंबर वन देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू वन, क्या कर देना है, रोल नंबर इज इक्वल टू वन। अच्छा, रोल नंबर भी लिखते समय सावधानी देनी है, रोल नंबर का एन जो है स्मॉल है तो आपको भी स्मॉल ही लिखना है, तो रोल नंबर इज इक्वल टू वन। ठीक है, और यहां से टर्मिनेशन दे दीजिए, ये देखिए यहां पर एक ये हटा देंगे, ये हो गया। ठीक है, इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूं, अब देखिए आप इसको चलाते हैं, अब ये चल जाएगा, ये रन हो गया। देखिए कह रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट वन रो, तो यहां पर यस कर दीजिए। और अब हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो अजय सिंह आ रहा था उसकी जगह विजय हो गया, यानी कि अपडेट जो स्टेटमेंट है उसी तरीके से यूज होता है। ठीक है ना, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे यूज होगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी इसमें। ठीक है, ओके।